गाइस, ये जो साहबजादी हैं आपके सामने घूम रही हैं अभी, आज सुबह से उन्होंने हमें बहुत थकाया है। सुबह 9 बजे अपने केज से बाहर निकल रही थी अपने अंडों को छोड़कर, और जितने भी कबूतर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये और कुछ कबूतर वहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ लगकर ये पहले तो बहुत देर उड़ती रही, और उड़ने के बाद जब ये नहीं आई, ये सामने वो मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए उधर वो ब्लैक वाली टंकी रखी हुई है, वहाँ छत पर जाकर बैठ गई, क्योंकि इसके जो गाइस विंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। आप देखिए कुछ इसके जो पंख हैं वो कटे हुए आए थे, और अब इसके धीरे धीरे पंख आने लगे हैं। बाकी अपने अंडों को छोड़ करके ये जनाब, सॉरी, ये मैडम, ये शहजादी ये निकल गई यहाँ से, और इनका जो मेल है वो सुबह से अंडों पर बैठा हुआ है। कोकी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोकी भी कहने लगी हम नीचे चलते हैं छत से, और जब ये आएगी आती रहेगी, क्योंकि हल्की हल्की बारिश में आने लगी थी, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, ये देखिए काफ़ी बारिश आई उसके बाद, पहले हल्की हुई फिर काफ़ी ज़्यादा हुई, तो बस जब से ये अभी आई है हमारी छत पर, कितना होगा, क्योंकि 3-4 घंटे होंगे इन बातों, बिल्कुल 3-4 घंटे, क्योंकि 12 बजे के समथिंग बारिश आई थी, अभी 4 बज रहे हैं, उसके बाद इतनी ज़्यादा हैवी रेन हुई थी कि बिल्कुल भी बारिश तो बंद हुई नहीं थी, वहीं कहीं फंसी रह गई होगी। फंसी क्या रहेगी, मैंने जब तुमने बोला था ना, जब बहुत तेज बारिश हुई थी, एकदम से बूंद इधर से बहुत सारी आई, तो सामने मैंने दिखाया ना, वहाँ बैठ गई थी सामने जाकर टंकी, हाँ, तो इसीलिए नहीं आई होगी ना उड़ के। तो खैर कोई बात नहीं, फाइनली गाइस अभी हमारी छत पर आ गई है, तो आप बताइए क्या करें, इसके विंग्स लॉक करें या नहीं, या ये घर की पक्की हो चुकी है, या फिर ये दोबारा ही भाग सकती है। तो खैर जो भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम लोग फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे, ठीक है। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फैमिली, जो लोग भी चैनल पर न्यू है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, या जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए हम लोग अपने कबूतरों को फटाफट से खोल देते हैं ना, और इनको आने देते हैं बाहर, और ये जो फीमेल है बहुत देर से अंदर जाने की कोशिश कर रही है, और अभी इसको भी अंदर जाने देते हैं, ताकि ये अपने बच्चों के साथ काफी टाइम से बाहर है ना, इसलिए अब उसको अंदर जाना है। अंडे इसके तो, सॉरी, ये लो जी, मुझे बताया अंदर जाएगी, देखा चली गई ना, मैंने बोला था ना ये जैसे छत पर आएगी अंदर वाले बाहर आ जाएंगे, लेकिन इनको बाहर निकाल देता हूं मैं, और अभी के लिए यहां रख देते हैं इसको, बाद में सही कर देंगे। तो देखो जी दोस्तों, इसको ना अपने बच्चों से या अपने अंडों से बहुत प्यार था, इसलिए वापस आ गई, वरना भाग भी सकती थी हमारे यहाँ से। तो ये फर्स्ट टाइम ही उड़कर गई थी, क्योंकि हमने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसे उड़ जाएगी, इसके छोटे छोटे पर थे, मगर इनने खूब अच्छे खासे राउंड वाउंड लगाए, जैसे बड़े कबूतर हमारे उड़ते हैं ना वैसी करके ऐसे उड़ती रही। खैर जो भी है, आज ये अपनी छत पर आ गई। अब दोस्तों इन वाले कबूतरों को भी खोल देते हैं, ये भी कबूतर सुबह से हमारे बंद हैं, और फटाफट से ये भी बाहर आ जाएंगे। आओ भी बच्चों, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ तुम लोग, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मौसम काफी अच्छा है, बारिश से क्योंकि मक्की काफी सारी आ गई हैं, आप देखेंगे। मैं यही तो देख रही हूँ काफी देर से, है ना गाइस, बारिश के बाद ना इतनी ज्यादा गंदगी हो जाती है, जब बारिश पड़ रही होती है तब तक तो सब कुछ इतना अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद का जो नजारा होता है ना वो बिल्कुल एकदम खराब खराब होता है। अभी पूरी छत पे इतनी ज्यादा मक्खियां हो गई हैं कि देखिए कितना ज्यादा गंदा गंदा सा लग रहा है, सब कुछ साफ कर देने के बाद भी मक्खियां नहीं जा रही हैं यहाँ से। ऐसा करते हैं, आज हम शाम को थोड़ा जब दिन ढल जाएगा ना, दोनों मिलकर पूरी छत को साफ करते हैं, मतलब इसको धोते हैं, ये ठीक रहेगा, क्योंकि इधर साइड में कूड़ा हो रहा है ना वहां से, उसके साथ ही ये बेनिफिट हो जाएगा कि चलो जी सफाई हो जाएगी, सफाई तो मक्खियां भी चली जाएंगी, मक्खियां भी चली जाएंगी अपने आप, है ना। और कुछ ऐसा करना, तुम थोड़ा फिनाइल वगैरह भी डाल देना पानी के अंदर, हाँ हाँ तभी जाएंगी, और डिटॉल से सैनिटाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा है काफी टाइम पहले पूरे पिजन सेटअप के अंदर बीमारी आ गई थी, उसके बाद से सब ऐसा ही है, तो थोड़ा सैनिटाइज भी हो जाएगा, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ वो वाला बच्चा था यहाँ पर बैठा था, वो कहाँ गया, ग्रीन वाला बच्चा जो था, ग्रीन वाला बच्चा यार, अभी तो मैंने उसको इधर की साइड देखा था बैठे हुए, यहाँ पर इधर देखो, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जब मैं आई थी छत पे। अच्छा, अरे ये साहबजादे का यहाँ बैठे हुए, देखो वहाँ पे ये नन्हे साहबजादे, ये देखिए ये बैठा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ठीक बोल रही है। तो चलो इसको इधर लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, मैं इधर से करूँगा इसको, मतलब प्रेशर डालूंगा तो पीछे हट सकता है, मैं साइड से जाऊँगा, और साइड से जाने के बाद इसको कहूँगा कि साहब तुम उधर जाओ। तो गाइस जी देखिए रहा वो बच्चा, और मैं अभी करता हूँ खुद वाली लकड़ी को उठाता हूँ ताकि ये उधर जा सके। बोलो जी साहब, जा ही नहीं रहा है भाई, गया, जा रहा है, जा रहा है, जा भाई,
कि हमारे कबूतरों का बड़ा ही शेड्यूल बना हुआ है कि परेशान गया और ये गया जी उड़कर जाल पर बैठ गया जाकर। तो अभी के लिए तो गाय जी जाल पर बैठ गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको नीचे उतारना, या चलो उसको यहीं बैठे बैठे रहने दे, ये यहाँ से कहाँ जाएगा भला। क्योंकि जैसा कि तुम जानती हो 4 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और मैंने कल तुमसे एक सरप्राइज़ के लिए बोला था। हाँ बिल्कुल बोला है ना। हाँ। तो उन्होंने भाई ने मुझे तकरीबन कहा था कि आप 4:30 बजे तक आ जाना और याद आ गया तुमने ऑर्डर क्या बोले जाना। कुल मिला के गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, कल हम लोगों ने एक फीमेल ऑर्डर की थी जो कि फैंटेल थी, बहुत प्यारी थी, जिसको हम लाना चाहते हैं अपने टोनी के लिए। आज हम टोनी को भी ऊपर लेकर आएंगे छत पर और उस फीमेल को भी हिलाकर छोड़ेंगे, आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर क्योंकि मैं जाता हूँ फिर ले आता हूँ। ठीक है, बड़ी प्यारी सी है, उसका कलर भी बड़ा नायाब है, हमारी छत पर आज तक ऐसा फेंटल पिजन नहीं आया। बिल्कुल, जाना तो आज दिन में ही था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से आप जा नहीं पाए, लेकिन अभी ज़रूर जाना पड़ेगा वरना तो फिर वही अंधेरा हो जाएगा, तो फिर वैसे नहीं। अच्छा, जब मेरी उनसे बात हुई थी भाई से, उन्होंने ये कहा था कि भाई अपना आपके लक बहुत अच्छा है, मतलब किस्मत बहुत अच्छी है, ये 2 फेंटल पिजन पड़ी हुई है हमारे पास, फीमेल ही पड़ी हुई है, आप आकर ले जा सकते हैं कल ही। तो मैंने उनको 4 बजे के बाद का टाइम दे दिया था, तो टाइम बिल्कुल मैंने सही दिया था। गाइस मैं दिखाता हूँ लोकेशन कहाँ पर है, वो टावर देख रहे होंगे सामने आप, उस वो टावर है ना, उस जगह मुझे जाना है, उसके जस्ट कुछ पीछे जो है एक शॉप है, काफी दूर पड़ जाएगा यार फिर भी, वहाँ दूर तो है ही, एक शॉप है वहाँ पर ही जो है रोड है पड़ता है, मतलब हाईवे पड़ता है हमारा NH, तो वहाँ से ही वो उनकी शॉप से मुझे वो लेकर आनी थी। चलिए मैं जाता हूँ और लेकर के आता हूँ, ठीक है, और मिलते हैं आपसे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों लगभग 30 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका है आर्यन को यहाँ छत से गए हुए, और हो सकता है कि वो रास्ते में ही हो, क्योंकि अभी मैंने एक बार कॉल करके देखा था उनको, तो वो बोल रहे थे कि बस मैं रास्ते में ही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। तो गाइज मैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारे टोनी की जो फीमेल है वो किस कलर की होने वाली है, कैसी होने वाली है, और दोनों साथ में कितने ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं, सब कुछ देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। गाइज आप लोगों का क्या ख्याल है, जब तक आर्यन आते हैं थोड़ा सा टाइम उनको और लगने वाला है यहाँ तक पहुँचने में, तब तक आप लोग एक काम कर लीजिए, अच्छी अच्छी सी कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो गाइज आर्यन नीचे तो आ गए हैं लेकिन अभी तक ऊपर नहीं आए हैं, और शायद वो ऊपर ही आ रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो कितनी काउंटिंग में छत तक आ जाएंगे। ठीक है, काउंटिंग करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आ गए। गाइस ज्यादा काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी और आर्यन देखो आ गए हमारे सामने। काउंट मतलब हम लोग काउंटिंग कर रहे थे कि आर्यन कब तक छत पर आ जाएंगे हमारे सरप्राइज को लेके। सरप्राइज में आ गया हूँ, अच्छा ये लेकिन बात है। आपने ज्यादा काउंटिंग नहीं कराई, हम 8 तक ही पहुंचे थे कि आप छत पर आ भी गए। क्योंकि यार बहुत ज्यादा खूबसूरत फीमेल है, सच में बहुत प्यारी लग रही है, छोड़ो बहुत प्यारी है, खुद ही देखते रहोगे, हम लोगों को भी दिखाओगे। दिखाता हूँ ना, एक मिनट छोड़ो, बिल्कुल जल्दी निकालो, मुझे से तो सबर ही नहीं हो रहा, देख उसको देखना चाहती हूँ कैसी तुम्हारी है। फीमेल, ये फीमेल टोनी है यार, ये फीमेल नहीं है, टोनी है। तुम्हें तो बड़ी पहचान है अभी टोनी की। क्यों मैं अपने टोनी को नहीं पहचानूंगी, इतना ज्यादा खूबसूरत है, मिनी जू में यही तो मिनी जू की शान है। तो मैं यही तो फीमेल लेकर आया हूँ, कुछ और भी है उसके अंदर लग रहा है मुझे। हाँ, कुछ अरे नारा वेट बहुत करवाते हैं। मैं जो है टोनी को भी नीचे से ले आया हूँ, और टोनी को लेकर आ गई, ये तो ठीक ही किया क्योंकि दोनों को साथ में देखेंगे ना, कैसे लगेंगे साथ में। तो चलो गैस करो कैसी फीमेल है, क्या कलर होगा फीमेल का। गाइस आप लोग भी बताओ कैसी फीमेल हो सकती है इसके अंदर, और मेरे ख्याल से तो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। टोनी इतना ज्यादा खूबसूरत है और आर्यन की चॉइस भी अच्छी खासी है, गाइस इतनी खराब नहीं है, वो अच्छी ही फीमेल लेकर आए होंगे उसके लिए। तो आप प्लीज जल्दी से उसको बाहर निकाल दो। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। तो गाइस आप लोग बताइएगा क्या बहुत ज्यादा वेट नहीं होगा, इस यही के ही कमेंट कर दीजिएगा, बाद में नखरे देखने के बाद देखेंगे कितने लोगों ने सही आंसर दिया। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी। मैं आईज क्लोज कर लूँ? नहीं नहीं, आईज क्लोज मत करो यार, तुम मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखा दूंगा अभी। तो गाइस चलिए हम लोग फीमेल को छोड़ने लगे हैं, और ये आ गई जी कोकी के लिए न्यू, सॉरी टोनी के लिए न्यू फीमेल। ये लो जी गाइस, ये रहा जी हमारा न्यू पेयर जो कि हमारे। वाओ सो ब्यूटीफुल, कैसी लगी तुम्हें यार? ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है,
ऐसा तो एक भी कबूतर नहीं है मेरी छत पर। क्या यार, कहीं भी पूरी छत पे पूरे मिनी जू में कोई भी ऐसा कबूतर नहीं है। पहली बार देख रही हूँ सच बताऊँ तो। मैंने तुमसे बोला, ओह माय गॉड, इसके मतलब सिर पे भी ये भी चोटीदार है और ये भी दोनों। हाँ जी, तो गाइस ये देखिए, चलिए आपको नजदीक से शो कराते हैं। गाइस दरअसल कमाल हो गया जो कि हम लोग लेकर आए हैं। और तो मैं आपको बता दूं, भाई ने कहा था कि आर्यन भाई मैंने इसके ना आगे, आर्यन भाई मैंने इसके जो विंग्स हैं वो पीछे के पूंछ के वो भी काटे हुए हैं, तब भी इसके विंग्स इतने सारे हैं। और आप इसके एक विंग्स आने देंगे ना तो आपके टोन से ज्यादा नहीं, तभी इतनी हल्की लग रही है इसका मतलब, वरना तो ये बहुत ज्यादा हैवी होंगे इसके पीछे से। बहुत ही प्यारा और बहुत ही नायाब जोड़ा है हमारे यहाँ पर बन चुका है जो। और टोनी में लगता है क्योंकि इसे देखकर काफी ज्यादा खुश दिख रहा है। सच में बहुत खूबसूरत जोड़ा बन गया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। तो गाइस ये टोनी के लिए है ये फीमेल, आप लोग बताइए कैसी लगी आपको। ये आपकी जो है ड्यूटी एक दे देते हैं हम आपको कि आपको इसका नेम, क्योंकि नेम नहीं, नेम तो आ गया, इसका नेम आ गया, नेम आ चुका है। गाइस अभी रुकिएगा, मैं कमेंट कर देता हूँ और हम इसका नाम भी दे देते हैं एंड टू एंड, क्योंकि गाइस एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके बता दिया था, शायद फिरोज था उनका नाम, फिरोज ने शायद बता दिया था कि आप जो कल टोनी के लिए लेकर आए, वो टोनी की सोनी को लेकर आए फटाफट से। तो गाइस इसको पहले ही ऑलरेडी नाम मिल चुका है, इसको नाम मिला है सोनी। तो ये हो गई जी टोनी की सोनी, ठीक है। तो वो रहा टोनी और ये रही इसकी सोनी, ठीक है। सोनी वास्तव में सोनी है, बिल्कुल एकदम सोनी है, बहुत सोनी, मतलब सोनी, सोनी का वर्ड पंजाबी में होता है वो वाली सोनी, दूसरी पंजाबी मीन्स होता है सोनी का, अच्छा रहता। तो गाइस ये रही सोनी हमारी और वो रहा टोनी, सोनी कुड़ी। तो ये लोग, आप ये जोड़ा जो है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो फिर आज के लिए इतना ही, क्योंकि हाँ गाइस फीमेल वाकई बहुत खूबसूरत है जो कि आर्यन टोनी के लिए लेकर आए हैं। आप लोगों को कैसी लग रही है वो जानना मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी है, तो कमेंट्स करके ज्यादा से ज्यादा बताना कि ये जोड़ा खूबसूरत सा जोड़ा आप लोगों को कैसा लगा। और ये भी बताना गाइस कि हम इसे पिजन हाउस पर रखें या फिर वापस से मिनी जू में हमें इसे रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत, जल्दी मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, बाय बाय एंड टेक केयर।